मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है, मोदी के लिए बाबा साहब आम्बेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। यहां पे बाबा गोरखनाथ जी ने क्या कहा था, मन में रहना भेद न कहना, बोलिवा अमृत वाणी अगिला अगली हा होए वे हे अवधू तो अपना होएवा पानी, ये कहा था ना बाबा गोरखनाथ जी ने कहा था। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, आपने सुना होगा, मैं आ रही थी यहां, मैं उनका बिहार का भाषण देख रही थी और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। देखिए प्रधानमंत्री पद का पूरा देश आदर करता है, हम भी आदर करते हैं, आपकी आस्था आपकी आशाएं मोदी जी से एक समय में जुड़ी हुई थी। क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे? आज जिस जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों कि इनकी असलियत दिखाई देने लगी है। और मैं मोदी जी को कहना चाहती हूं कि मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। आपने देश को कहा है कि देश आपका परिवार है, परिवार समान है, परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों के उनके प्रति एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए, वो हमेशा रखनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में आ गए हैं, भूल गए हैं कि वो देश के प्रतिनिधि हैं, आपके प्रतिनिधि हैं, कि इस तरह के शब्द उनके मुंह से नहीं निकलने चाहिए। आखिर आगे वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी कि ये हमारे प्रधानमंत्री के पद को इतना गिरा चुके हैं, पद की मर्यादा नहीं रखी, पद की गरिमा नहीं रखी।